नमस्कार दोस्तों, हम लोग महाशिवरात्रि के बारे में बहुत अच्छे से परिचित हैं, लेकिन महाशिवरात्रि हम पूजा और पाठ के साथ एक और चीज और सोचते हैं कि यदि हम अपने ग्रह को शांत करना चाहते हैं तो उसके लिए भी भगवान शिव की पूजा की जाती है। तो आज जानते हैं कि भगवान शिव पर कौन सी चीजें अर्पित करने से हमारे ग्रह और हमारे मन दोनों को ही शांति मिलती है। नंबर एक, यदि हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उसका जीवन सुखमय होता है, शांत रहता है और स्नेहमय रहता है। वह व्यक्ति इतना घुलनशील होता है कि हर किसी के साथ जल्दी ही घुल जाता है। तो इसलिए जल अर्पित करने वाला व्यक्ति भगवान शिव का सबसे प्रिय और चहेता माना जाता है। नंबर दो, शिवलिंग पर यदि हम दूध चढ़ाते हैं या अर्पित करते हैं तो वह हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखता है और दूध के जितने भी प्रभाव हैं जो हमारे शरीर को गलत प्रभाव देते हैं, श्रावण के महीने में दूध हमें गलत प्रभाव डालते हैं, तो इसलिए हम दूध को शिवलिंग पर ही अर्पित करते हैं जिससे हमें कोई भी बीमारी ना लगे और श्रावण में जितनी भी बीमारियां वो हमसे दूर रहे। नंबर तीन, शिवलिंग पर यदि हम शहद से अभिषेक करते हैं और अभिषेक करने के साथ साथ मंत्र का उच्चारण करते हैं तो ऐसा करने से हमारे घर में समृद्धि रहती है, धन भी आता है और हमारे जितने भी नकारात्मक प्रभाव हैं वह सभी दूर हो जाते हैं। नंबर चार, यदि हमारा स्वभाव बहुत ही अच्छा नहीं है और थोड़ा कड़ा है, किसी दूसरे के प्रति हमारा स्वभाव थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता, तो यदि हम शिवलिंग पर दही चढ़ाते हैं तो हमारे स्वभाव में थोड़ा सा मिठास बना जाता है। नंबर पाँच, शिवलिंग पर यदि हम घी चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से हमारे मानसिक और शारीरिक जितने भी तनाव हैं वह दूर हो जाते हैं और हमारे शरीर और मानसिक में अच्छे से बढ़ोतरी होती है। तो यदि हम शिवलिंग पर घी चढ़ाते हैं तो हमारे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। छह, माना जाता है कि यदि आप शिवलिंग पर इत्र चढ़ाते हैं तो इत्र चढ़ाने के साथ आपके मन और शारीरिक पवित्र माना जाता है और आपकी जितनी भी मानसिक स्थिति है उसे भी पवित्र माना जाता है। तो ये है वह चीजें, यदि आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं या अर्पित करते हैं तो वह आपके जीवन पे सुखमय और अच्छे प्रभाव डालते हैं। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।